जयपुर जेडीए रीजन के जोनल डेवलपमेंट प्लान्स को रिन्यू करने का मामला जोन उपायुक्तों की लापरवाही के चलते परवान नहीं चढ़ पा रहा। प्रभावित तो लोगों को राहत देने के बजाय क्या इस मामले में जेडीए के जोन उपायुक्तों को पिक एंड चूज का खेल रास आ रहा है? देखिए फर्स्ट इंडिया न्यूज की ये खास रिपोर्ट। पिछले साल 26 दिसंबर को जेडीए आयुक्त की अध्यक्षता में भवन मानचित्र समिति लेआउट प्लान को लेकर बैठक हुई थी। जेडीए रीजन में 2018 में बनाए गए सभी 17 जोनल डेवलपमेंट प्लान को रिव्यू करने का फैसला हुआ था। फैसले के मुताबिक अपने अपने जोन के प्लान को रिव्यू करने का प्रस्ताव देने की जिम्मेदारी संबंधित जोन उपायुक्तों को सौंपी गयी। दरअसल गुलाब कोठारी प्रकरण में 12 जनवरी 2017 को हाईकोर्ट ने अहम आदेश दिया था। इस आदेश में कहा गया था कि बिना जोनल डेवलपमेंट प्लान लागू किसी भी प्रकार का नियमन, भू रूपांतरण या फिर भू उपयोग परिवर्तन की कार्रवाई नहीं की जाएगी। लिहाजा हाईकोर्ट आदेश की पालना में जयपुर विकास प्राधिकरण ने आनन फानन में जोनल डेवलपमेंट प्लान तैयार कर लागू कर दिया। जेडीए रीजन के लिए बनाए गए 17 जोनल प्लान में कई खामियां हैं। जोनल डेवलपमेंट प्लान को रोड नेटवर्क प्लान के तौर पर बना दिया गया। पार्क, स्कूल, अस्पताल, कम्युनिटी सेंटर, बस स्टैंड जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए भूमि चिन्हित नहीं की गई। माइक्रो लेवल प्लानिंग के बजाय मास्टर प्लान में दर्शाए गए लैंड यूज को ही मोटे तौर पर लागू किया गया। थोड़ी दूर पर ही दो ज्यादा चौड़ी सड़कों को प्रस्तावित कर दिया। सड़क के लिए जेडीए रीजन के बरसों पहले बनाए गए सेक्टर प्लान का सहारा लिया। बसावट और अन्य बदलावों को नजरअंदाज करते हुए सड़कें प्रस्तावित कर दी, जबकि गाइडलाइन में बताया गया था कि किन मापदंडों की पालना करते हुए जोनल डेवलपमेंट प्लान बनाया जाना है। फिर भी जेडीए ने गाइडलाइन की पूरी तरह से पालना नहीं की। जयपुर के मास्टर प्लान 2025 के तहत जोनल डेवलपमेंट प्लान को बनाया गया था। प्लान के लागू होने की वैधता 2025 है, लेकिन लगातार आती खामियों के चलते जयपुर विकास प्राधिकरण ने सभी प्लान्स को रिव्यू करने का फैसला किया था। बसावट पर जोनल प्लान में प्रस्तावित की गई सड़कें नहीं है। सड़कों का अलाइनमेंट बदलने और चौड़ाई कम करने के जेडीए को लगातार प्रस्ताव मिल रहे हैं। स्थानीय जनप्रतिनिधियों और प्रभावित जेडीए में गुहार लगा रहे हैं। निजी योजनाओं, एकल भूखंड स्वीकृति के जेडीए में प्राप्त आवेदन ने मौके के अनुसार मानचित्र लगे होते हैं। मानचित्र जोनल प्लान में दिखाई सड़कों के अलाइनमेंट से मेल नहीं खाते। राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज रास्ते, मौजूद रास्ते भी जोनल प्लान की सड़कों के अलाइनमेंट से अलग होते हैं। लिहाजा सड़कों के अलाइनमेंट चौड़ाई को जोनल प्लान में दर्ज किया जाता है। इसकी वजह से प्रकरणों में निस्तारण के लिए बेवजह समय लगता है। समस्या से निजात पाने के लिए जेडीए की भवन मानचित्र समिति ने सभी जोनल प्लान को रिव्यू करने का फैसला किया था। प्लान में प्रस्तावित सड़कों का मौके की स्थिति के अनुसार परीक्षण किया जाना है। जोन उपायुक्तों को अपने अपने क्षेत्राधिकार में 3 महीने में प्रस्ताव तैयार कर समिति को भेजने थे। 3 महीने से भी ज्यादा होने के बावजूद अब तक किसी भी जोन उपायुक्त ने कोई प्रस्ताव नहीं भेजा है। जोन उपायुक्तों की लापरवाही को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। क्या जोन उपायुक्तों की मंशा नहीं है कि सभी प्रभावित लोगों को मामले में राहत दी जाए? क्या जोन उपायुक्तों को मामले में पिक एंड चूज का खेल रास आ रहा है? जोनल डेवलपमेंट प्लान में खामियों की वजह से आमजन और जेडीए को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, और समस्या से निजात पाने के लिए जोन उपायुक्तों की लापरवाही बाधक बन रही है। 5 साल पहले जेडीए रीजन के बनाए गए जोनल प्लान्स में कई खामियां हैं। यही कारण है कि जेडीए ने इनको रिव्यू करने का फैसला किया था। फैसले के पीछे मंशा यही है कि प्रभावित लोगों को राहत दी जाए और सड़कों का निर्धारण मौके के अनुसार किया जाए, लेकिन मामले में जोन उपायुक्तों की लापरवाही कई सवाल खड़े करती है। कैमरा पर्सन सुरेंद्र सिंह के साथ अभिषेक श्रीवास्तव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।